उसको छुपाया गया था इतने दिनों तक राजनीति के कारण। पता नहीं राजनीतिज्ञों को उस समय क्या डर था और किस वर्ग को ये खुश करना चाहते थे, जबकि पूरा भारत मनुष्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब एकदम अलग है। बाहरी रूप से कहा जाता है कि सेकुलर मतलब मिलजुल के रहना, सबको बराबर कर देना। नेताजी टोपी बन के मस्जिद में जाएंगे वो सेकुलर है, नेताजी इफ्तार पार्टी में जाएंगे, मंत्री जी हो प्रधानमंत्री जी हो तो सेकुलर है, वो मंदिर में चले जाएं अगर तो वो सेकुलरिज्म से बाहर चला जाता है। ये मानसिकता अभी भी पूरे भारतवर्ष में है, जिसको ये फिल्म उजागर कर रही है। कश्मीरियों के, लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित, हम तो कहेंगे कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को इस फिल्म में दिखाया है, सच्चाई दिखाई है। अलग अलग बाइट्स, अलग अलग वीडियोज हमने मिसेज मेनन जो प्रोफेसर है, जिसको इसमें राधिका मेनन बताया है, वो ओरिजिनल सारी उनकी बातें वीडियो पूरा हमने देखा उनके भाषण का, जो कहते हैं कश्मीर इज नॉट वॉज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है और रहेगा। टेररिज्म को सहज बनाने के लिए टेररिस्टों को केंद्र सरकार ने उस समय की बुला के मीडिया पे बुलाया, इंटरव्यू दिलवाया, सबके बारे में पता है। तो जो छुपाया गया कि उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो बड़े दर्द और दुख की बात है कि कश्मीरी हिंदुओं को इतने 30 सालों में न्याय नहीं मिला। वो भटकते रहे, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं रहा। आज तक भी कुछ तथाकथित सेकुलरिस्ट है, कई पार्टियों के लोग हैं, हम तो किसी पार्टी के नहीं हैं, महात्मा हैं, लेकिन उनके विचार और उनके बातों से लगता है कि किस दुनिया में जीते हैं, कहाँ के रहने वाले लोग हैं, मानवता इनके अंदर है या नहीं है, केवल इनको पॉलिटिक्स करना है और राज करना है। वो कहते हैं कि इसमें फैक्ट नहीं है। फैक्ट आप खोजिए, फिल्म के फैक्ट्स की जांच करवाइए कि अगर फैक्ट नहीं है तो फैक्ट आप सामने ला के दीजिए ना। 30 साल के बाद तो ये फैक्ट सामने आया है और सबका दर्द छलक रहा है। तो अब तो आवाहन ये है कि जिनको ये त्रासदी झेलनी पड़ी उनको न्याय मिले, और साथ साथ भारत के किसी भी कोनों में कश्मीर जैसी दुर्दशा अब न हो पाए, इसलिए जागृति की जरूरत है। और स्वामी जी, कई कई राज्यों में टैक्स फ्री हुआ है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री नहीं किया है, तो आप सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहोगे? देखिए, हम टैक्स फ्री करने के लिए नहीं गए, ये जनता को सच्चाई देखना है और पैसा दे के भी देख लेंगे। ये तो अलग अलग सरकारों की स्थिति, उनको लगा कि नहीं राष्ट्र हित में है और राष्ट्र के छुपे हुए चीज़ को उजागर कर रहा है, तो इसको राष्ट्र के हर नागरिक को देखना चाहिए। उन सरकारों ने टैक्स फ्री किया, यहाँ के सरकार को नहीं लगता है तो ना करे टैक्स फ्री। लेकिन भारत के जो सच्चाई जानने के लिए उत्सुक लोग हैं, वो कैसे भी पैसा दे के देखेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, द कश्मीर फाइल्स, ये जो फिल्म बनी है, जो कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, उसकी एक सच्ची कहानी यहाँ बताई गई है। और हम सोच सकते हैं कि 1990 के शुरुआत में ये जो घटना घटी, उससे कश्मीरी पंडित को, 5 लाख पंडित को पूरा कश्मीर वहाँ छोड़ना पड़ा। और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, बात करते हैं अल्पसंख्यक की, बात करते हैं जब अल्पसंख्यक कश्मीर में जब हिंदू हो जाते हैं, वो भी उसके साथ किस तरह की विडंबना होती है। और ये तो फिल्म में बताया, उसमें से कुछ हिस्से बताए हैं जो फिल्म को सेंसर का जो नियम रहता है उसके आधार पे, लेकिन जो फिल्म में बताया उससे भी कई प्रकार के जुल्म हो गए कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए हैं। और आने वाले समय में भारत देश में हर नागरिक ने ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि हम जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आने वाले समय में हमको एकजुट होके इस तरह के जो अन्याय करने वाले, चाहे वो पाकिस्तान के हो, खालिस्तान के हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने के गद्दार हो, इनको सबक सिखाने का ये वक्त है। और ये कश्मीर फिल्म देखे हम लोग इसका सबक ले सकते हैं। कश्मीर फाइल्स के बारे में इतना ही कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया है, गलती इस प्रकार किया है कि हम लोगों ने एक जात के नाम पे, एक प्रांत के नाम पे बांट दिए। हमने कहा कश्मीरी पंडित, अगर उसी को हम लोग बोलते कि हमारा
भगवान वहाँ जल रहा है, हमारा हिंदू जल रहा है, तो निश्चित ही पूरा हिंदुस्तान एक साथ में खड़ा होता और उसका परिणाम अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है। आज जो मैं देख रहा हूँ, बहुत दुख लगता है देख के कि हमारे 5-6 लाख पंडितों के साथ में इतना इस तरह का व्यवहार किया गया, और कांग्रेस जो लूटने का और आतंकवादी पैदा करने का जो वो पार्टी है, वो जो काम करते आए हैं, उसका भी सच्चाई आज जनता तक पहुंच रहा है और जनता भी नकारते जा रही है, और कांग्रेस अब एक कॉम बन के रह जाएगा, .com जैसे होता है वैसे कॉम बन के रह जाएगा आने वाले दिन में, और जनता को, हर जनता कश्मीर फाइल देखेगा और उसका निर्णय, जैसे यहाँ पर चुनाव होने वाला है BMC का चुनाव, उसमें भी इस कश्मीर फाइल की मूवी क्या बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लेगा।